वेलकम टू 3D होम्स। मैं सलीम चौधरी एक बार फिर हाजिर हो गया हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसका एलिवेशन भी आप देख रहे हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 25 फीट बाई 30 फीट के इस प्लॉट को, जिसपे हमने एक मॉडर्न एंड लग्जरियस होम डिज़ाइन किया हुआ है। 750 स्क्वायर फीट यानी 83 गज़ के ईस्ट फेसिंग इस प्लॉट को हमने 3BHK डिज़ाइन किया हुआ है, और हमने इसमें टेरेस गार्डन, स्विमिंग पूल, पार्किंग, डाइनिंग एरिया, स्टडी एरिया जैसे काफ़ी लग्जरी फीचर्स एड किए हुए हैं। छोटे से इस प्लॉट को हमने काफ़ी लो बजट में डिज़ाइन किया हुआ है। इसके कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट है वो आपको कंस्ट्रक्शन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे जाके देख सकते हैं। बाकी इसके इंटीरियर का जो कॉस्ट आएगा वो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये इसके ग्राउंड का 2D लेआउट है, जिसे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं। ये इसका मेन गेट मिल जाएगा, जिससे इंटर होंगे और आ जाएंगे इस प्लॉट के पार्किंग एरिया में। साइजिंग आप सभी का नीचे देख सकते हैं, वो डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको प्लांटर एरिया मिल जाएगा, जो कि वेंटिलेशन पर्पस के लिए हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। सामने कुछ इस तरह से आपको किचन का एक स्लाइडिंग विंडो मिल जाएगा, और यहाँ से टर्न होंगे तो ये इसका मेन डोर मिल जाएगा। इसमें इंटर होंगे तो आ जाएंगे इस प्लॉट के मेन हॉल में, जहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी आपको सिंपल एंड यूनिक सा इंटीरियर देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी कम बजट में हमने डिज़ाइन किया हुआ है। कई सारे मॉडर्न आर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, कई सारे स्ट्रिप्स और लाइटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर भी आपको कुछ फ़ोटोज़ और वॉल पे कुछ PVC के मोल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि इसके इंटीरियर को और भी एनहेंस करते हैं। सिंपल सा ही यहाँ पे सोफ़ा भी आपको एल शेप का देखने को मिल जाएगा, और पीछे वेंटिलेशन के लिए स्लाइडिंग विंडो मिल जाएगा। उसके बाजू में एक डोर मिलेगा, जो कि हाल ही उसके लिए इसमें हमने बाथरूम डिज़ाइन किया हुआ। यहाँ पे आएंगे तो कुछ इस तरह से वैनिटी एंड कमोड का स्पेस देखने को मिल जाएगा, साथ ही आपको वैनिटी में मिरर और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एक विंडो मिल जाएगा, और सामने शावर का भी स्पेस मिल जाएगा। ओवरऑल कुछ इस तरह से आपको हॉल का बाथरूम देखने को मिल जाएगा। सामने TV यूनिट जो कि इस तरह से नज़र आएगी, सिंपल सा ही है, और यहाँ पर कुछ साइड में भी कुछ स्पेस दिया हो, जिसमें आप चाहें तो एंटिक्स वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं। ये पार्ट जो है इसको हमने OTS प्रोवाइड किया हो, जो नीचे ग्राउंड से लेके ऊपर जाके रूफ पे जाके ओपन होता है। कुछ इस तरह से ये टोटली ओपन है, इससे वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। ये किचन को भी वेंटिलेट करेगा, और फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम्स और स्टडी एरिया को भी वेंटिलेट करेगा। यहाँ से टर्न होंगे तो आ जाएंगे कुछ इस तरह से एल शेप के मॉडुलर किचन के पास। यहाँ पर आपको फ्रिज का स्पेस मिल जाएगा, यहाँ पे किचन के सारे एक्सेसरीज को स्टोर करने की कैपेसिटी मिल जाएगी। कुछ इस तरह से सामने स्लाइडिंग विंडो मिलेगा, जिसे ओपन करेंगे तो OTS के थ्रू आपको यहाँ पे अच्छा खासा वेंटिलेशन मिलता रहेगा। सामने ही आपको मिल जाएगा इस प्लॉट का फर्स्ट बेडरूम, इसमें एंटर होंगे तो कुछ इस तरह से आपको सिंपल सा इंटीरियर देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी लो कॉस्ट में हमने इसे डिज़ाइन किया हुआ है। बेड के सामने कुछ इस तरह से सिंपल सा ही TV यूनिट मिल जाएगा, जिसमें प्रोफाइल लाइट्स देखने को मिल जाएंगे, और पीछे इसमें मार्बल मिल जाएगा, जो कि हमने TV यूनिट में यूज़ किया हुआ है। सामने स्लाइडिंग विंडो और मेन डोर मिल जाएगा, जिससे बाहर जाएंगे और आ जाएंगे इसके पार्किंग एरिया में, और अब बढ़ेंगे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। यहाँ से लेंगे स्टेयर, लेकिन उसके पहले ये फर्स्ट फ्लोर का 2D लेआउट है, जिसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। स्टेयर लेंगे और आएंगे फर्स्ट फ्लोर पर, और देखेंगे फर्स्ट फ्लोर के इंटीरियर को किस तरह से डिज़ाइन किया हो। लेकिन उसके पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जहां तक हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी ज़रूर करें। यहां पे सामने ही आपको एक स्लाइडिंग डोर नज़र आएगा, जिसमें आएंगे तो सामने यहां पे जो OTS का पार्ट है वो भी नज़र आएगा, और यहाँ से राइट टर्न होंगे तो ये छोटा सा आपको टेम्पल सेक्शन मिल जाएगा, श्री गणेश जी का टेम्पल मिल जाएगा। और इसी पार्ट में, इसी सेक्शन में हमने स्टडी एंड कंप्यूटर एरिया भी डिज़ाइन किया हुआ है, जहाँ पर बैठ के आप पीसफुली यहाँ पे स्टडी भी कर सकते हैं, या आप अगर चाहे तो ऑफिस का भी काम यहाँ पे कर सकते हैं। सामने यहाँ पे बड़ा सा स्लाइडिंग विंडो मिल जाएगा, जो OTS में ओपन होता है, जिसके थ्रू आपको यहाँ पे अच्छा खासा वेंटिलेशन मिलता रहेगा। सामने ही आपको इस प्लॉट का सेकेंड बेडरूम नज़र आएगा, इसमें एंटर होंगे तो सामने आपको मिल जाएगा वार्डरोब। यहाँ से टर्न होंगे राइट साइड में तो आपको मिल जाएगा बेड, और लेफ्ट साइड में यहाँ पर आप देखेंगे तो TV यूनिट का स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे 6 फीट बाय 6.5 फीट का बेड मिल जाएगा, पीछे पैनलिंग, और राइट साइड में यहाँ पे आपको ड्रेसिंग मिरर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो स्ट्रिप्स वाला यहाँ पे TV यूनिट देखने को मिल जाएगा, जो कि सिंपल सा ही डिज़ाइन किया हुआ, और उसके बाजू में एक डोर नज़र आएगा, जो कि इस रूम का डेडिकेटेड बाथरूम है। इसमें इंटर होंगे तो कुछ इस तरह से आपको सिंपल सा ही बाथरूम देखने को मिल जाएगा, सामने शावर देखने को मिल जाएगा। टाइल्स की बात करें तो नॉर्मल ही कलर में हमने टाइल्स यूज किया, ओवरऑल कुछ इस तरह से शावर, कमोड एंड वैनिटी का स्पेस आपको मिल जाएगा। वापस आ जाएंगे बेडरूम में, सामने यहाँ पे आपको OTS के थ्रू वेंटिलेशन के लिए स्लाइडिंग विंडो मिल जाएगा, और अभी आ जाएंगे यहाँ पे स्टेयर के पास, और इंटर होते हैं इस प्लॉट के थर्ड बेडरूम में।
यहाँ पे आएंगे तो सामने कुछ इस तरह से टीवी यूनिट नजर आएगा। राइट वॉल पे यहाँ पे वार्डरोब मिल जाएगा, लेफ्ट वॉल पे यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए बड़ा सा स्लाइडिंग विंडो मिल जाएगा। सामने से कुछ इस तरह से आपको ड्रेसिंग एरिया, वार्डरोब और यहाँ पे टीवी यूनिट देखने को मिल जाएगा। बेड के पीछे कुछ इस तरह से फोटोज और दो तरफ छोटे छोटे से पार्ट में आपको पैनलिंग देखने को मिल जाएगा। 6 फीट बाय 6.5 फीट का यहाँ पे आपको बेड मिल जाएगा। टीवी यूनिट की बात करें तो सिंपल सा ही टीवी यूनिट है और इसमें हमने साइड में प्रोफाइल लाइट दिया और ऊपर भी यहाँ पे प्रोफाइल लाइट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपको बड़ा सा स्लाइडिंग विंडो नजर आएगा, जिसके बाहर जाएंगे तो आ जाएंगे इसके बालकनी में। यहाँ पे खड़े होंगे तो अच्छा खासा व्यू एंड वेंटिलेशन मिलता रहेगा। बाहर से ये आपकी बालकनी कुछ इस तरह से लोकेट होने वाली है। वापस आ जाएंगे उसी बेडरूम में और यहाँ पे टीवी यूनिट के बाजू में यहाँ पे आपको एक डोर नजर आएगा, जिससे एंटर होंगे तो आ जाएंगे इस बेडरूम के डेडिकेटेड बाथरूम में। सामने ही आपको कमोड का स्पेस मिल जाएगा। यहाँ से टर्न होंगे तो यहाँ पे वैनिटी मिल जाएगा, जिसमें आपको मिरर भी देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल कुछ इस तरह से आपको इसका बाथरूम देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे वैनिटी, कमोड एंड शावर का स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा। आ जाएंगे बेडरूम से बाहर और लेंगे स्टेयर और अभी बढ़ेंगे यहाँ पे टेरेस की तरफ और देखते हैं वहाँ पे हमने किस तरह से टेरेस गार्डन और स्विमिंग पूल को डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे आ जाएंगे टेरेस पे, यहाँ पे भी कुछ फोटोज़ मिल जाएंगे। सामने आपको इसका ममटी का डोर मिल जाएगा, जिसके बाहर जाएंगे तो राइट साइड में टर्न होंगे तो यहाँ पे कई सारे प्लांट्स और फ्लावर्स देखने को मिल जाएंगे। एक यहाँ पे कंक्रीट का बना हुआ यहाँ पे आप एक सिटिंग भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे कुछ प्लांट्स मिल जाएंगे। सामने यहाँ पे आपको रास्ता मिल जाएगा, जिससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे राइट साइड में अभी आपको सिटिंग एरिया देखने को मिल जाएगा और कई सारे प्लांट्स एंड फ्लावर्स देखने को मिल जाएंगे। बीच का जो पार्ट है वो ओटीएस है, जो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं कि किस तरह से हमने यहाँ पे ओटीएस दिया हुआ है, जो नीचे से ऊपर तक कंटिन्यू है। ये जो स्टेप्स लेंगे ऊपर आएंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे स्विमिंग पूल देखने को मिल जाएगा, जो कि इस छोटे से प्लॉट को एक लग्जरियस लुक देता है। यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका ओटीएस नजर आएगा, जो ग्राउंड से कंटिन्यू होते हुए टेरेस तक आके कुछ इस तरह से ओपन रहेगा, जिससे आपके प्लॉट के अंदर अच्छे खासी वेंटिलेशन मिलती रहेगी। बात करें इसके इंटीरियर कॉस्ट की तो 10 लाख से 15 लाख आपको स्पेंड करने पड़ेंगे, तब जाके इस तरह से लुक आप इसे दे पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।